खेल हमारे पास वाहिद जरिया है जिसके सहारे हम अपनी नौजवान नस्ल को बिरा रवी फिरका वराहियत कौम परसी और मंशियात जैसे नासूरों से कोसों दूर रख सकते हैं। आल बलोचिस्तान सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद डमर फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले में शानदार क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं एमएस रावी जी। एमएस रावी, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। खेल हमारे पास वाहिद जरिया है जिसके सारे हम अपनी नौजवान नस्ल को बेरारवी फिरका वाहरियात कौम परस्ती और मुंशियात जैसे नासूर से कोसों दूर रख सकते हैं। इसलिए हमें बड़े पैमाने पर खेलों के मैदान आबाद रखने होंगे ताकि हम खेल के जरिए एक बेहतरीन माशरे को तश्कील दे पाएँ। आल बलोचिस्तान सूबाई वजीर अजी नूर मोहम्मद दुमड़ फुटबॉल टूर्नामेंट सिंजावी के सिलसिले में ग्रीन शहादत अजारा क्लब क्वेटा प्रिंस फुटबॉल क्लब दुखी के दरमियान एक शानदार क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। एक दूसरे को बिछाड़ने के लिए सरतोड़ अमले किए गए लेकिन आखिर तक दोनों टीमें इंतहाई जमा मर्दी के साथ एक दूसरे के मद मुकाबिल रहे। आखिरकार किस्मत की देवी ग्रीन शहादत अजारा क्लब क्वेटा के आगोश में सर छुपा बैठी। इस तरह इस शानदार क्वार्टर फाइनल मैच पर अपने पंजे गाड़ते हुए पलंटी किक से जीत अपने नाम कर लिया। प्रिंस फुटबॉल क्लब को कुल शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शानदार क्वार्टर फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी अयूब महंगल अताहुल्ला अरिफाल सदर फरस क्लब दुखी अलानू नासर इसमाइल अरिफाल का इंतखाब किया गया जहाँ उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हर किस्म ताउन की यकीनदानी कराई। एम एस रावी सिला दुखी बलोचिस्तान।